हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम लव एंड लाइक। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं लिपिका आज आई हूँ मेरी नई हैप्पीनेस के बारे में आप लोगों से शेयर करने। तो मेरी नई हैप्पीनेस क्या है? एक गार्डनर के लिए हैप्पीनेस क्या होती है कि उसके पास बहुत सारे प्लांटर्स हो और बहुत सारे नए नए प्लांट्स हो। जी हाँ, मेरे लिए भी वही है। शायद सबका आंसर ही सेम ही होगा। तो एक गार्डनर को हमेशा नए नए प्लांट्स और नए नए प्लांटर्स की कमी लगी रहती है। हाँ, ये एक कॉमन बात है। सारे गार्डनर्स के पास ही एक ही प्रॉब्लम है कि उसके पास प्लांट होते हैं तो प्लांटर नहीं होता है और प्लांटर होता है तो प्लांट्स नहीं होते हैं, और दोनों होते हैं तो जगह की कमी लगी रहती है। तो होता ही रहता है। तो जगह की कमी मेरे पास भी है। मैंने अपनी बैल्कनी को ही छोटा सा गार्डन बनाने की कोशिश की है। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ इसको छोटा सा ब्यूटीफुल सा गार्डन बनाने के लिए। अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए मैं मेरी पूरी बैल्कनी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। मैं आज जस्ट आप लोगों के साथ इतना शेयर करने आई हूँ कि मैंने क्या क्या नए नए प्लांटर्स खरीदे हैं जो हैंगिंग प्लांटर्स से, और क्या क्या नए नए प्लांट्स लाई हूँ जो मैंने इन नए नए प्लांटर्स में बिठाया है। तो आप लोग देख सकते हो, ये है मेरा छोटा सा बैल्कनी गार्डन है। तो यहाँ पर मैंने मेरे सारे हैंगिंग प्लांट्स को इस तरीके से लगा के रखा है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो ग्रिल में हैंग किया गया है वो मेरे पास 5 प्लांटर है, और जो ऊपर रोप के साथ हैंग किया गया है वो मेरे पास 3 प्लांटर है। ये जो आप देख रहे हो रेड वाला प्लांटर, ये मैंने एक लोकल फेसबुक सेलर से लिया है। अगर आप लोगों को भी ये प्लांटर अच्छा लगा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस फेसबुक सेलर का जो लिंक है वो दे दूंगी। आप लोग वहाँ पर जाके ये प्लांटर खरीद पाओगे। ये प्लांटर मुझे कितने में पड़ा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और ये जो प्लांटर है, इस टाइप का जो फ्रूट बास्केट टाइप का प्लांटर है, ये मैंने 5 प्लांटर्स खरीदे हैं, अमेजन से ख़रीदा है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और प्राइस भी मेंशन कर दूंगी कि मैंने जितने में इसको ख़रीदा है, इस 5 प्लांटर्स के सेट को ख़रीदा है। तो बाकी मेरे पास ऊपर वाला जो रोप करने का जो प्लांटर होता है, ये रेड वाले की तरह मेरे पास और भी 2 प्लांटर है। एक है पिंक कलर का और एक है पर्पल कलर का। वो दोनों प्लांटर मैंने लोकल शॉप से ख़रीदा है। लोकल शॉप से मुझे जितने में पड़ा है वो सेम प्राइस में मुझे फेसबुक सेलर के पास भी मिला। तो एक प्लांटर मैंने उनसे भी ख़रीद लिया। तो मेरे पास 3 प्लांटर लगाने का स्पॉट था, जगह था, तो मैंने 3 प्लांटर मुझे चाहिए था। तो लोकल शॉप में मुझे जिस डिज़ाइन का चाहिए था, जिस पैटर्न में चाहिए था, वो 2 ही अवेलेबल थे। तो इसलिए मैंने एक फेसबुक सेलर से ख़रीदा, तो मुझे सेम प्राइस में ही मिला, मुझे कोई डिफरेंट नहीं लगा। प्राइस तो सेम ही है, लेकिन आप अगर क्वालिटी के बारे में बात करते हो तो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। और आप देख सकते हो, ये है मेरा पर्पल वाला प्लांटर। अब देख सकते हो कितना सुंदर सा प्लांटर है, पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि जो बांस बेत का जो काम होता है वैसा काम किया गया है। दिखने में भी बहुत सुंदर है। इसमें मैंने बोलिवियन ज्यू लगाए हैं। बोलिवियन ज्यू की ऐसी बात है कि ये बहुत घना होके रहता है, और प्लांटर्स में, हैंगिंग प्लांटर्स में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रहता है। बहुत घना होके नीचे की तरफ ये झुका रहता है, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये अभी तक बहुत छोटा है, जस्ट मैंने लाके इसको यहाँ पर बिठाया है। अभी तक ये अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हुआ है। अगर ये अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है तो मैं बाद में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये है पर्पल वाला प्लांटर। ये इस तरीके से यहाँ पर इसका जो रोप दिया हुआ है, इस तरीके से ये हैंग होता है। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही टिकाऊ भी है। ये रेड वाला और वो है पिंक वाला। ये पिंक वाला और पर्पल वाला मैंने लोकल शॉप से, प्लांट की शॉप से ख़रीदा है। और ये पर्पल वाले में मैंने बॉलीवुड जू लगाया है, और ये पिंक वाले में मैंने मनी प्लांट लगाया है। आप देख सकते हो मेरा कितना घना और बुशी हो गया है ये मनी प्लांट। यहाँ पर आप कैसे मनी प्लांट को बुशी तरीके से लगा सकते हो, अगर आप लोगों को ये जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, तो आप लोग जान पाओगे कैसे आप मनी प्लांट को बहुत बुशी कर पाओगे। आप लोग देख सकते हो कितना बुशी और कितना सुंदर इसका पत्ता है, कितना सुंदर कलर भी आया है इसमें, गोल्डन कलर भी है इसमें आया है। दिखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ग्लॉसी भी है इसका पत्ता। तो आप कैसे इसको इतना सुंदर रख सकते हो, अगर आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी नए वीडियो बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये पिंक सा प्लांटर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर
पूरा बांस बेत का काम किया हुआ है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये प्लास्टिक का है और बहुत ही बढ़िया है। नए नए अपना जो प्लांट्स मैंने लगाए हैं इसमें, आप लोग देख सकते हो मनी प्लांट कितना घना और कितना बुशी हो गया है, बहुत ही सुंदर है। इसका जो रोप है वो भी बहुत टिकाऊ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये ऐसे हैंग करेगा, इसके यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रोप है, तो ये ऐसे आप लोग इसको रोप को ऊपर किसी हुक से अगर आप लोग रख दोगे तो ये ऐसे हैंग करेगा। और ये जो मनी प्लांट है जो धीरे धीरे बड़ा होगा वो नीचे की तरफ झूल जाएगा और दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। आप नीचे की तरफ भी रख सकते हो, यहाँ पर मैंने पहले जो दिखाया है मेरा एक मनी प्लांट ऊपर मैंने ऊपर रखा है, वैसे भी आप लोग रख सकते हो, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते। ये जो प्लांटर मैंने लोकल शॉप से ख़रीदा है जिसका प्राइस मुझे पड़ा है 200 रुपीज़ पर पीस करके पड़ा है, तो हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में इन चीज़ों का थोड़ा सा महंगा होता है, पता नहीं बाहर कितने सस्ते में मिले होंगे। आप लोगों को अगर सस्ते में मिला होगा तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो 200 में पड़ा। और ये जो रेड प्लांटर है ये मैंने लोकल फेसबुक सेलर से ख़रीदा है, इसका जो है इसको भी मुझे 200 रुपीज़ वन पीस का पड़ा है, तो मुझे सेम ही लगा कि मैंने दो पीस 400 में लोकल शॉप से ख़रीदा और एक पीस मैंने फेसबुक से लिया। आप लोग देख सकते हो ये ट्रायंगल हार्ट का प्लांट है, कितना ब्यूटीफुल सा पत्ता है, कितना बड़ा बड़ा पत्ता हुआ है। अभी अभी ये बहुत छोटा है, ये अभी हैंगिंग प्लांट से नीचे की तरफ नहीं आया है, जस्ट ये छोटा छोटा प्लांट अभी हुआ है। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर ग्लॉसी प्लांट है और अभी जस्ट इसने बड़ा होना शुरू किया है, तो ऐसा लग रहा है कि ये अब अगर नीचे की तरफ झुका होगा झुक जाएगा पूरा तो दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। ये ट्रायंगल हार्ट का प्लांट है, आप लोग देख सकते हो पत्ते कितने बड़े बड़े हैं। मैंने बहुत सारे ट्रायंगल हार्ट के प्लांट देखे हैं बहुत लोगों के पास जिनके पत्ते बड़े नहीं होते, ये ट्रायंगल हार्ट का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है इसके पत्ते बड़े नहीं होते, लेकिन आप लोग देख सकते हो मेरे पास पत्ते बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग देख सकते हो ये दो प्लांटर की जो पर्पल प्लांटर है और जो ग्रीन पिंक प्लांटर है उससे ये रेड वाला थोड़ा थिकनेस में कम है। ये जो मैंने फेसबुक सेलर से ख़रीदा इसका थिकनेस थोड़ा कम है और जो राउंड शेप है ऊपर का ये थोड़ा सा बिगड़ गया है, जस्ट इतना ही डिफरेंस है इस इन पर्पल और पिंक से। इसकी जो स्ट्रांगनेस है रेड की थोड़ी सी मुझे कम लगती है, इसलिए इसका हैंग करते हुए ये थोड़ा सा ओवल हो गया है। अभी इसका वो राउंड वाला जो शेप है ना यहाँ पर वो थिकनेस आप देख सकते हो इसका पर्पल का कितना ज़्यादा है और रेड का कितना कम है, ये रेड थोड़ा सा थिकनेस में कम है इसलिए ये है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम है, मुझे बस इतना सा ही डिफरेंस लगा जिसकी वजह से ये थोड़ा रेड थोड़ा ओवल हो चुका है। लेकिन लोकल शॉप वाला जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा भी है, वो एकदम उसका शेप नहीं बिगड़ा है, बिल्कुल ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि शेप बिगड़ने का और एक वजह भी हो सकता है कि मैंने मिट्टी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दे दिया है, इसलिए भी शेप थोड़ा सा बिगड़ा, मुझे लगता है बिगड़ जा सकता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इसकी स्ट्रांगनेस की वजह से ऐसा हुआ और क्या मिट्टी देने से वजह से, तो मैंने क्या किया मैंने मिट्टी थोड़ा सा इसका निकाल चुकी हूँ। अभी अभी जो मिट्टी का परिमाण है वो तीनों में सेम है, तो अभी तो ये ठीक है, इसका रोप भी ठीक है, तो देखते हैं कैसा लगता है तो कैसा चलता है। तो ये है मेरा बॉलीवियन जीव का प्लांट, ये भी अभी बहुत ही मैंने जस्ट अल्लाह के इसको बिठा दिया। इसको केयर करना टेक केयरिंग करना बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, मैं इसका भी एक अलग से डिफरेंस से वीडियो बना दूँगी, तो मैं आप लोगों को वीडियो बना दूँगी जो आप लोग फ्यूचर में देख पाओगे। तो ये है मेरे 3 प्लांट्स, ये है मनी प्लांट, आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये मनी प्लांट, और दूसरा है मेरा ट्रायंगल हार्ट का प्लांट, वो भी कितना ग्लॉसी और ब्यूटीफुल लग रहा है, और थर्ड है मेरा बॉलीवियन जीव का प्लांट। तो ये 3 प्लांटर सेम प्लांटर से प्लांटर्स भी दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, शायद आप लोगों को भी पसंद आया होगा ये 3 प्लांटर और ये 3 प्लांट्स। और इधर है मेरे अलग से 5 प्लांटर जो मैंने अमेजन से ख़रीदा था, तो ये 5 प्लांटर मैंने अमेजन से ख़रीदा है, इसका भी प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वो प्लांटर्स है, अगर आपके पास रोप में हैंग करने की जगह नहीं हो, ग्रिल हुक और कुछ हैंडल व्हील टाइप का हो वहाँ पर आप हैंग कर पाओगे, तो आपको इस तरीके से प्लांटर नहीं चाहिए होंगे, आपको उस तरीके से
जो हैंग कर जा सकते हैं रोप की भी जगह से नहीं, ऐसे हैंग कर जा सकते हैं, वैसे प्लांटर आप लोगों को खरीदे होंगे। तो ये प्लांटर आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा एक प्लांटर है, पूरा फ्रूट बास्केट होता है ना, जैसा फ्रूट बास्केट हम लोग टेबल पे फ्रूट्स के साथ सजा के रखते हैं, ठीक बिल्कुल वैसा ही फ्रूट बास्केट है। मुझे जो ऐसे हैंग करने वाले जो ओवल टाइप के प्लांटर होते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ओवल टाइप का होता है, नीचे से बहुत छोटा होता है, उसमें ज़्यादा बड़ा प्लांट, ज़्यादा ब्यूटीफुल सा बड़ा प्लांट हो जाए अगर वो दिखने में सुंदर नहीं लगता है। तो इस तरीके से मुझे राउंड शेप के कुछ चाहिए था, राउंड शेप का प्लांटर चाहिए था। तो अमेज़न में ये प्लांटर्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे लोकल शॉप में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बोल रहा था, इसने अमेज़न में मुझे बहुत सस्ते में मिल गया। मुझे तो लग रहा है कि हमारे लोकल शॉप में इसका प्राइस जो बोल रहा था उसमें मुझे बहुत फ़ायदा भी हो गया अमेज़न से ख़रीद के। तो ये मैंने 5 प्लांटर्स का एक सेट ख़रीदा है, रेड वाइट ये जो स्काई कलर है, और एक है ब्राउन कलर का और एक है येलो कलर का। ये जो रेड प्लांटर है इसमें मैंने अपराजिता का 2 प्लांट लगा के रखा है एक साइड में। आप देख सकते हो इसका थिकनेस भी कितना सुंदर है, थिकनेस भी मोटा सा है और ब्रेकेबल नहीं है। अगर अभी तक तो इसका कुछ डैमेज भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पार्सल भी मेरा बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आया है, एकदम डैमेज नहीं हुआ था। नीचे मैंने नीचे होल नहीं किया गया था, मैंने एक नुकीली चीज़ को गर्म करके इसमें नीचे से होल कर दिया। ये देख सकते हो आप, ये रेड स्वीट पोटैटो वाइन है, इसको मैंने यहाँ एक साइड में लगाया, और वो ग्रीन स्वीट पोटैटो वाइन भी मैंने यहाँ पर लगाया, लेकिन वो अभी तक अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हुआ है। और इस साइड में मैंने अपराजिता के 2 प्लांट्स लगाए हैं, दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो पत्ते के कलर भी कितना सुंदर है। मेरा जो ये बैल्कनी है ना, विंटर में बहुत अच्छा सा इसमें जो है सन आता है, लेकिन जो समर सीज़न में यहाँ पर ज़्यादा सन नहीं आती है, तो मैं शेडेड प्लांट ही लगाना, जिस प्लांट्स को शेडेड पसंद है वही यहाँ पर लगाती हूँ। तो ये रहा मेरा व्हाइट वाला प्लांटर, ये मेरा रेड वाला प्लांटर। ये भी देख सकते हो कलर कितना बढ़िया है, कलर कितना सुंदर लग रहा है, पूरा बास्केट टाइप का है एकदम। ये प्लांटर दिखने में बहुत सुंदर है, सर्कल तरीके का है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका शेप भी बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो थिकनेस भी कितना सुंदर है और कितना हैवी भी है, एकदम सॉफ्ट नहीं है कि जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लोड नहीं ले पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही, आप देख सकते हो मैंने मिट्टी कितना भर भर के दिया है, फिर भी ये प्लांटर बहुत ही अच्छी तरीके से हैंग करा रहता है, मुझे तो बहुत पसंद है। इसमें मैंने एक हाइब्रिड जो है बिना का लगाया है, जिसका अभी तक फ्लावर नहीं आया। आप देख सकते हो पत्ते कितने ब्यूटीफुल से हुए हैं, तो अभी तक इसमें फ्लावर नहीं आया है। जब इसमें फ्लावर आ जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारे बिना का के प्लांट हैं जो लोकल नहीं है, लोकल में भी नहीं मिलता है, मैंने बाहर से लाई हूँ, ऑनलाइन से ख़रीदा है। तो मैं आप लोगों के साथ किसी दूसरे वीडियो में ये शेयर करूँगी। तो आप लोग देख सकते हो ये है मेरा रेड प्लांटर, इसके नीचे भी होल नहीं किया गया था, तो मैंने नुकीली चीज़ को गर्म करके इसके नीचे से होल कर दिया है। तो ये गया रेड वाला प्लांटर, अब ये आया येलो वाला प्लांटर। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है येलो वाला प्लांटर। ये 5 प्लांटर मुझे इतने पसंद आए हैं, लेकिन क्या है ना, इसका जो ऑनलाइन का जो अमेज़न का पेज था, इसमें एक ब्राउन कलर की जगह ग्रीन कलर था, लेकिन जब मेरे पास आया तब ये ब्राउन कलर आया, वो ग्रीन कलर नहीं था। ये जो ब्राउन कलर है उसमें भी मैंने प्लांट्स लगाए, ये जो येलो वाला है इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया है। आप लोग देख सकते हो ये जो येलो वाला है इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया है। तो येलो में मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया है, रेड में मैंने बिना का लगाया है, और जो वाइट वाला है उसमें मैंने अपराजिता और स्वीट पोटैटो वाइन लगाया है, और जो स्काई कलर वाला है उसमें मैंने पर्पल हार्ट का एक प्लांट लगाया है, और जो ब्राउन कलर वाला है उसमें मैंने जो गार्डन की जो बाउंड्री देने के लिए जो लाल सा प्लांट लगाते हैं ना लोग, वो प्लांट मैंने लगाए। वो प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास इतना बड़ा गार्डन तो नहीं है कि उसकी बाउंड्री देने के लिए मैं लगाऊँ, लेकिन मैंने अपनी पॉट में लगा के रखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैंने जो सर्कुलेंट होते हैं ना, जो सर्कुलेंट होते हैं, जो सर्कुलेंट होते हैं टेन ओ क्लॉक के प्लांट्स, वो मैंने लगाया है ब्राउन कलर में। आप देख सकते हो ये है येलो कलर का वो प्लांटर,
और आप देख सकते हो इसमें भी कितना सुंदर सा कलर आया है, कितना ब्यूटीफुल सा कलर है, बहुत ही ब्राइट कलर है, लाइट कलर नहीं है। और आप देख सकते हो थिकनेस भी कितना सुंदर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारा सॉइल लेके भी ये स्टेडी रह पाएगा, कितना स्ट्रॉन्ग है। इसका भी नीचे होल किया नहीं गया था, होल मैंने करा हुआ है, मैंने निकली चीज़ को गर्म करके इसमें होल किया है, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने 3 स्पाइडर प्लांट खरीद के लाई थी, ये है एक बड़ा वाला स्पाइडर प्लांट और इसके नीचे 2 छोटे छोटे बेबी स्पाइडर प्लांट, आप देख सकते हो 2 साइड में मैंने 2 छोटे छोटे बेबी प्लांट भी लगाए हैं। ये अभी अच्छी तरीके से 2-3 ग्रो हो रहे हैं, बीच में एक बड़ा वाला मतलब मम्मा प्लांट और 2 साइड में है 2 छोटे छोटे बेबी प्लांट, ये अभी तक बड़े हो रहे हैं। तो आपको अगर जानना है कि स्पाइडर प्लांट की केयर इनके बारे में कैसे करते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका भी एक अलग से वीडियो बना के शेयर करूँगी। तो ये रहा मेरे स्पाइडर प्लांट, आप देख सकते हो पत्ते कितने सुंदर है, कितने ब्यूटीफुल है, पूरे स्पाइडर की तरह चारों ओर ये स्प्रेड होते रहते हैं, इसलिए इसका नाम स्पाइडर पड़ा है इस प्लांट का नाम। बहुत ही सुंदर है दिखने में, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये रहा मेरा येलो वाला प्लांटर, तो आप देख सकते हो ये बहुत ही सुंदर सा प्लांटर है, पूरा फ्रूट बास्केट की तरह लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आया है ये प्लांटर्स। तो ये रहे मेरे 4 और ये रहा मेरा 5वां वाला प्लांटर, ये है ब्राउन कलर का, इसमें जो पिक्चर में आया था तो ग्रीन कलर में दिखाई दिया था, मुझे लगा ग्रीन आएगा लेकिन मेरे पास जो आया वो ब्राउन था, फिर भी मैंने रख दिया, मुझे अच्छा ही लगा, इसमें भी होल नहीं था, मैंने होल किया है। तो ये है वो लाल सा प्लांट जो गार्डन की बाउंड्री के लिए यूज़ होता है, और आप देख सकते हो थिकनेस भी बहुत अच्छा है। और ये सर्कुलेंट प्रजाति का 10 o'clock प्लांट जो बहुत ही बढ़िया से लिटिल लिटिल रेड कलर का फ्लावर देता है, मेरे पास एक छोटा सा फ्लावर भी हुआ है, आप लोग देख सकते हो पिक्चर में कि फ्लावर आया है, ये देखिए फ्लावर कितना सुंदर है। ये जब प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगा तो ये फ्लावर से पूरा ढक जाएगा, इसको थोड़ी जो है सनशाइन की ज़रूरत होती है, ये एकदम शेडेड प्लेस में नहीं हो पाती है। तो मेरे गार्डन, मेरी बेल्कनी गार्डन की एक साइड में दोपहर 12 बजे से थोड़ा सा सनशाइन आता है तो मैंने उस साइड में रखा है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर ग्रो हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये है मेरा ब्राउन कलर का प्लांटर, तो ये रहे मेरे 5 प्लांटर, एक है ये स्काई कलर का और एक है ये स्काई कलर का, इसमें मैंने पर्पल हार्ट का प्लांट लगाया, आप देख सकते हो कितना सुंदर है ये स्काई कलर भी, कितना ब्राइट है, कितना ब्यूटीफुल सा है। और ये पर्पल हार्ट का जो पर्पल कलर है ये स्काई कलर के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैच कर रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पर्पल हार्ट का जो फ्लावर है वो भी बहुत सुंदर होता है, पर्पल कलर का छोटा छोटा फ्लावर होता है, इसमें इसका लिप्स भी आप देख सकते हो कितने डार्क पर्पल कलर का होता है, और इसका है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसका जो स्टीम होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, थोड़े जोर से भी आप पकड़ लो तो ये ब्रेक हो जाता है, लेकिन उसी जगह से आप अगर इसको सॉइल पे लगा दो तो ये दोबारा से नया प्लांट हो जाएगा, बहुत ही ईजी है इसका प्रोपोगेशन, और दिखने में भी बहुत ही सुंदर है, हैंग करके रखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो फ्रेंड्स ये है मेरे 5 प्लांट्स, रेड वाइट स्काई ब्लू और येलो एंड ब्राउन। तो आप लोगों को कैसा लगा, पहले मैंने दिखाया रोप वाले 3 प्लांटर जो है पिंक पर्पल एंड रेड, और ये है 5 प्लांटर्स का सेट जो मैंने अमेजोन से ख़रीदा, ये है येलो ब्राउन स्काई कलर एंड स्काई कलर वाइट कलर एंड ग्रे कलर, ये है 5 प्लांटर जो मैंने अमेजोन से ख़रीदा है। तो आप लोगों को कैसा लगा है ये प्लांट्स प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, प्लांट्स कैसा लगा है और प्लांटर कैसा लगा है वो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों के कमेंट्स से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से मेरे सारे प्लांटर्स को मेरे छोटे से हैंगिंग बालकनी गार्डन में मैंने हैंग करके रखा है, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नए व्यूअर्स हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन कि मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सपोर्ट फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट से ही हम लोग मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट्स पढ़ने में, तो प्लीज़ सपोर्ट फ्रेंड्स एंड
आप लोगों को अगर ये प्लांटर्स खरीदने हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारा कुछ मेंशन कर दिया है। और अगर सेपरेटली इस प्लांट्स के केयरटेक केयरिंग के बारे में आप लोगों को जानना है तो वो भी फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी नए वीडियोज़ बनाऊँगी कि सेपरेटली इन प्लांट्स की कैसे टेक केयरिंग करी जाती है, कैसा सॉयल इसको चाहिए, इन प्लांट्स को चाहिए, कैसे इसकी सब कुछ होता है, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।